एक शादीशुदा जोड़ा जब अपनी शादी से बोर हो जाता है तो वो एक दूसरे के सामने ही अलग अलग लोगों से अफेयर करने लगते हैं, लेकिन बाद में वाइफ के सारे लवर्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और इसका सारा शक हस्बैंड पे जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शकीरा फिल्म्स। आज की मूवी का नाम है डीप वाटर, जो कि 2022 में आई थी और ये एक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल शकीरा फिल्म्स को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर विक साइकिलिंग करके घर आता है, जहाँ स्टेयर पर बैठे उसकी वाइफ मेलिंडा उसे देख रही थी। उसे देखकर विक पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कि कुछ भी नहीं। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। विक और मेलिंडा अपनी छोटी सी बेटी ट्रिक्सी के साथ लिटिल विजली लुसियाना में रहते हैं। आज रात उन दोनों को एक पार्टी में जाना था, तो अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए वो एक बेबी सीटर को बुलाते हैं। मेलिंडा थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि उसे पार्टी के लिए क्या पहनना चाहिए, तो विक इसमें उसकी मदद करता है। वो अपने हाथों से उसको शूज़ पहनाता है। मेलिंडा विक को आई लव यू कहती है, लेकिन विक इसका कोई भी जवाब नहीं देता है। पार्टी में जाने के बाद मेलिंडा एक यंग लड़के जोल के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इससे पहले भी मेलिंडा के बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं और इसी वजह से विक थोड़ा उससे नाराज रहता है। जब विक उन दोनों को फॉलो करता है तो देखता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रही थी। उन दोनों को इस तरह से किस करता हुआ देखकर विक की एक फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें मेलिंडा को कन्फ्रंट करना चाहिए। विक कहता है कि ये उसकी लाइफ है और मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। विक के और दोस्त भी मेलिंडा के इस अफेयर को नोटिस करते हैं और उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ देर बाद मेलिंडा पियानो बजाने लगती है और सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी के दौरान जोल विक से बात करता है और कहता है कि तुम एक काफ़ी कूल हस्बैंड हो, क्योंकि तुम्हें मेरे और मेलिंडा के अफेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी के हस्बैंड ऐसा नहीं सोचते। विक कहता है कि इस टाउन में पहले एक और आदमी रहता था जो 2 महीने से गायब है और वो भी मेरी वाइफ के काफ़ी करीब था। जोल कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने उसे मार डाला कि तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उसे विक पर भरोसा नहीं हो रहा था। विक कहता है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं करना है तो मत करो। जोल डर जाता है और वो पार्टी से जाने लगता है। मेलिंडा उसका पीछा करती है और उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोल नहीं मानता। घर जाते समय मेलिंडा विक से पूछती है कि तुमने जोल से ऐसा क्या कहा, लेकिन विक उसे कुछ भी नहीं बताता है। घर आते ही बेबी सीटर के सामने मेलिंडा अपने सारे कपड़े निकाल देती है। ऐसा करने के लिए विक उसे मना करता है। मेलिंडा एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करती थी जहाँ पर काफ़ी फ्री एनवायरनमेंट था और उसे बंधनों में बंध के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विक कहता है कि अगर तुम्हें अफेयर करना ही था तो किसी हैंडसम लड़के से करती। मेलिंडा को लगता था कि वो इतनी स्मार्ट नहीं है, इसीलिए विक उसे पसंद नहीं करता है। तो वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हें स्मार्ट लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। विक ने एक स्पेशल ड्रोन बनाया था जिसकी वजह से वो ह्यूमन की लोकेशन को ट्रेस कर सकता था। वो फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर था, इसीलिए उसने रिटायरमेंट ले ली थी। उसकी बेटी भी उसी की तरह काफ़ी स्मार्ट थी और उसे अपनी बेटी पर काफ़ी प्राउड था। वो अपनी बेटी को जब स्कूल ड्रॉप करता है तो वहीं पर उसकी एक फ्रेंड मिलती है जो विक से कहती है कि तुमने मर्डर भी कर दिया और मुझे बुलाया तक नहीं। असल में जो बात उसने पार्टी में जोल से बोली थी, जोल ने ये बात सबको बता दिया था और अब टाउन में सबको इस बारे में पता था। विक इस बात पर हंस देता है और फिर अपने फ्रेंड्स को मिलने चला जाता है। उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि जो बात तुमने जोल को बोली थी उस बारे में अब सबको पता है। विक जब घर आता है तो मेलिंडा उस पर काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि उसे भी ये बात पता चल गई थी। वो कहती है कि जोल मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और तुम्हें अब उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे काफ़ी मिस करती हूँ। वो जोल को डिनर पर बुलाता है और उसे ड्रिंक्स देता है। विक की बेटी ट्रिक्सी को भी जोल बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो उससे पूछती है कि मेरी मदर जोल के सामने ऐसे क्यों बिहेव करने लगती है। विक कहता है कि लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। विक ने जो डिनर बनाया था उससे जोल को एलर्जी था और वो डिनर वो खा नहीं सकता था, तो विक उसके लिए फिर से डिनर बनाता है और वही डिनर मेलिंडा भी खाती है। बातों बातों में पता चलता है कि मेलिंडा की पीने की आदत विक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेलिंडा कहती है कि तुम एक नॉर्मल आदमी नहीं हो। इस पर विक कहता है कि अगर मैं नॉर्मल होता तो जोल यहाँ पर बैठा नहीं रहता। मेलिंडा कहती है कि तुम ऊपर जाकर ट्रिक्सी को स्टोरी सुनाओ। विक जब ट्रिक्सी को स्टोरी सुनाकर नीचे आता है तो वो जोल और मेलिंडा को साथ में देखता है। वो किचन में चला जाता है और वहाँ पर बर्तनों को पटकने की आवाज़ करता है। मेलिंडा उसे कहती है कि मैं ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तुम जरा जोल से बात करो। विक जब जोल से बातें करने जाता है तो जोल कहता है कि क्या तुम मुझे सॉरी नहीं बोलोगे। विक कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैंने सच में उस आदमी का हैमर से मर्डर किया था। और कहता है कि तुम्हारी कैब आ गई है। जोल कहता है कि मैंने कोई कैब नहीं बुलाई है। इस पर विक कहता है कि मैंने बुलाई है और जोल वहाँ से डरकर भाग जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं जिसका नाम डॉन विल्सन है और वो एक बुक राइटर है। डॉन विक से पूछता है कि तुम करते क्या हो। विक अपने बनाए हुए ड्रोन्स के बारे में उसे बताता है। डॉन कहता है कि तुम्हारे बनाए हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता है। इस पर विक कहता है कि ऐसा नहीं है, उस ड्रोन का इस्तेमाल दूसरे कामों में भी लिया जाता है। विक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बनाए हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है। वो सेटिस्फाइड था क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। विक ने जोल को जो धमकी दी थी
उसके बारे में भी डॉन को पता था। वो उसे सच मान रहा था। विक के फ्रेंड्स कहते हैं कि वो बस एक मजाक था। किसी को भी इस तरह से धमकी देने की बात डॉन को बहुत गलत लगती है। जब सब लोग वहाँ पे डांस करने लगते हैं तो विक भी डॉन की वाइफ केली के साथ डांस करने लगता है। वो ये डांस सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मेलिंडा उसे देखकर जेलस हो। वैसे वो किसी पार्टी में इस तरह से डांस नहीं करता था। उसको इतना अच्छा डांस करते हुए देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता है। घर आते समय मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की अच्छी लगी, क्योंकि मेलिंडा को भी जेलसी हो गई थी। वो विक से कहती है कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। घर आकर ये दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक दिन वो अपनी बेटी के स्कूल में उसका गेम देखने गए थे, तभी विक को एक कॉल आती है। मेलिंडा ने बैंक से $3,000 का चेक कैश आउट करने की कोशिश की। ये चेक जिस आदमी के नाम पर था, विक उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इस आदमी का नाम चार्ली था, जो कि एक पियानो टीचर था। उस आदमी के साथ भी मेलिंडा का अफेयर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो अक्सर घर पर लेट आती थी। टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है, और विक इस बारे में मेलिंडा को बता देता है, लेकिन मेलिंडा विक पर ही शक करने लगती है। ये सब उन दोनों की बेटी ट्रिक्सी नोट कर रही थी। तो स्कूल से घर आते समय वो विक से पूछती है कि क्या मदर ठीक है। विक कहता है कि अपने फ्रेंड की डेथ की वजह से तुम्हारी मदर थोड़ी सैड है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। रास्ते में उसे चार्ली फ्लावर लेकर जाते हुए दिखता है। जब वो घर पर आता है तो वही फूल उसे वहाँ पर दिखता है। उसे पता चल जाता है कि चार्ली यहाँ पर आया था। अगले दिन वो अपने फ्रेंड माइल्स के साथ चार्ली से मिलने आता है। वो माइल्स को चार्ली और मेलिंडा के बारे में सब कुछ बता देता है। विक को स्नेल्स को पालने की हॉबी थी। वो जब मेलिंडा और चार्ली को एक साथ इमेजिन करता है तो उससे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। एक दिन वो रात भर घर नहीं आती है तो विकी को बहुत बुरा लगता है। वो उससे पूछता है कि तुमने चार्ली को $3,000 क्यों दिए, लेकिन मेलिंडा इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती। विक पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी। मेलिंडा कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, अगर तुम मुझसे सही से पूछोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। कल रात हम दोनों साथ में थे। विक कहता है कि हमारी एक बेटी भी है। इस पर मेलिंडा कहती है कि वो तुम्हारी चॉइस थी। इसके बाद हम उन्हें एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर चार्ली भी था। मेलिंडा उसे पियानो बजाने के लिए कहती है। ये सब देखकर विक को बड़ा बुरा लगता है। मेलिंडा उसके पास आती है और उसे टच करने की कोशिश करती है, और बाद में विक और चार्ली को भी आपस में इंट्रोड्यूस कराती है। थोड़ी देर बाद विक को मेलिंडा मिल नहीं रही थी तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है और आकर पुल के पास बैठ जाता है। चार्ली और मेलिंडा पुल में काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। मेलिंडा जैसे ही चार्ली को किस करने वाली थी तभी वो विक को देख लेती है। थोड़ी देर में वहाँ पर बारिश होने लगती है और सब लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन चार्ली और विक पूल में ही रहते हैं। डॉन उन्हें ऊपर से देख रहा था। कुछ देर बाद विक अंदर आ जाता है। जब विक कुकी उठाने की कोशिश करता है तो उसका हाथ जल जाता है। मेलिंडा को चार्ली जब कहीं नहीं दिखता है तो वो उसे ढूंढने लगती है, और बाद में वो उसे पूल में डूबता हुआ दिखता है। ये देखकर मेलिंडा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। विक और उसके फ्रेंड्स चार्ली को बाहर निकालकर CPR देने की कोशिश करते हैं। पूल से बाहर निकालते समय चार्ली के सिर पर चोट लग गई थी। उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी चार्ली बच नहीं पाता है और पुलिस को कॉल किया जाता है। वहाँ पर सब लोग ड्रंक थे और ड्रग्स भी लिया था। पुलिस पूछती है कि चार्ली के पास लास्ट में कौन था। विक का फ्रेंड कहता है कि मैं और विक अंदर आ गए थे, क्योंकि कुकीज़ उठाते समय विक का हाथ जल गया था और ये सब लोगों ने नोटिस किया था। लेकिन मेलिंडा कहती है कि विक ने ही उसे मारा है, लेकिन विक के खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है। लियोनल चुपके से जाके पुलिस से बात करता है और पुलिस फिर विक से बात करती है। पुलिस कहती है कि तुम्हारी वाइफ और चार्ली का अफेयर चल रहा था, ये बात क्या तुम्हें पता थी। विक कहता है कि हाँ, मुझे ये बात पता थी, वो मेरी वाइफ है और वो जैसी भी है मैं उससे प्यार करता हूँ। पुलिस उससे डायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या तुमने चार्ली का मर्डर किया है, लेकिन विक इस बात के लिए मना कर देता है, और सबने जो स्टोरी बताई रहती है विक भी वही स्टोरी रिपीट कर देता है। घर आते वक्त मेलिंडा काफ़ी रोती है, क्योंकि उसे पता था कि चार्ली को विक ने ही मारा है। विक मेलिंडा से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। मेलिंडा कहती है कि पागलों जैसी बातें मत करो। इस पर विक कहता है कि मैंने ही चार्ली को मारा है और ये बात तुम जानती हो, फिर भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। मेलिंडा कहती है कि तुमने उसको मेरी वजह से मारा है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और इसीलिए मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। अगले दिन विक जब साइकिलिंग के लिए जाता है तो उसने चार्ली को कैसे मारा था ये सब सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। आज जब विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया तो वहाँ पर उसे केली मिलती है। वो केली को वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं पढ़ती थी। केली विक से कहती है कि वो प्राइवेट में उससे कुछ बातें करना चाह रही थी, इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। वो बताती है कि मेलिंडा और डॉन को पूरी तरह से तुम पर ही शक है, और वो तुम्हें गिल्टी प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेंगे। उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए विक केली से कहता है कि तुम डॉन को मेरे घर पर डिनर पर लेकर आओ, मैं उससे बात कर लूँगा। इसके बाद वो चारों डिनर पर मिलते हैं। विक डॉन को अपने स्नेल्स का कलेक्शन दिखाता है। डॉन कहता है कि इस तरह से पूल में डूबकर कौन मरता है। विक कहता है कि लोगों के साथ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। डॉन उससे कहता है कि तुमने मेलिंडा के एक और एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी ऐसे ही रूमर्स फैलाया था। विक ड्रिल मशीन निकालता है तो उसे देखकर डॉन डर जाता है, लेकिन विक ये ड्रिल मशीन सिर्फ कील ठोकने के लिए निकाला था।
डॉन उससे पूछता है कि क्या तुम लाई डिटेक्शन टेस्ट ले सकते हो, तो विक कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन बाहर जाते हुए विक को वही कार दिखती है जो उसका पीछा कर रही थी। जब वो आसपास उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो आदमी मेलिंडा के साथ बैठा हुआ है। वो डायरेक्टली मेलिंडा के पास जाकर बैठ जाता है। मेलिंडा विक से उसका इंट्रोडक्शन एक थेरेपिस्ट के रूप में कराती है। विक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ पागल है, और बातों बातों में वो दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर थेरेपिस्ट कहता है कि तुम दोनों को कपल थेरेपी में जाना चाहिए। विक उस आदमी से उसका कार्ड मांगता है, लेकिन उसके पास कोई उसका कार्ड नहीं था। विक समझ जाता है कि यह आदमी कोई थेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि मेलिंडा और डॉन के द्वारा हायर किया हुआ एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। वो डायरेक्टली डॉन के घर पर पहुंच जाता है और केली को बता देता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया हुआ है, और इसका प्रूफ मेलिंडा का बैंक स्टेटमेंट है जिसमें उसने $3,000 खर्च किए हैं। इन सब बातों के लिए केली विक से सॉरी बोलती है। विक की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। जब वो घर पर आता है तो वो देखता है कि मेलिंडा किसी और लड़के से मिल रही है। ये एक काफ़ी अमीर लड़का था जिसका नाम निक था। वो उन दोनों का हर जगह पीछा करता है। रात में विक अपनी बेटी को नहला रहा होता है तो वो उससे कुछ सवाल पूछती है। विक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ये सब प्रूफ हो जाता है तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, तो तुम इसके बारे में किसी से भी मत कहना। उसकी बेटी पूछती है कि तुमने उसे मार डाला था। इस बात पर विक सिर्फ हंस देता है। रात में मेलिंडा निक से बात कर रही होती है तो निक उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। उनकी बातों से ये पता चलता है कि वो दोनों ब्राज़ील जाने का प्लान कर रहे हैं और साथ में वो अपनी डॉटर को भी लेकर जाने वाली है। इस बात से विक काफ़ी गुस्सा हो जाता है। मेलिंडा ने उससे बात करना ही छोड़ दिया था। एक दिन वो निक को लंच पे बुलाती है। विक और वो दोनों स्नेल के गार्डन में मिलते हैं। निक को काफ़ी तेज से भूख लगी हुई थी, लेकिन फिर भी विक उसे खाना थोड़ा लेट में देता है। निक कितना सक्सेसफुल है, उसके पास कितना पैसा है, ये सब वो विक को बता देती है। वो कहती है कि जब वो US में आई थी तो पहली बार निक से इंटीमेट हुई थी। ये सारी बातें वो विक के सामने ही बोलती है, तो इस बात से निक थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। निक कहता है कि हमें थोड़ा स्नेल्स खाना चाहिए, लेकिन विक इस बात के लिए मना कर देता है तो निक उसका मजाक उड़ाने लगता है। विक कहता है कि अगर हम स्नेल्स को ऐसे ही खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग होने का डर है। उनको खाने से पहले उन्हें थोड़ी देर के लिए भूखा रखना पड़ता है, इसके बाद ही हम उन्हें खा सकते हैं। यहाँ पर निक भी काफ़ी देर से भूखा था। वो तीनों साथ में हैंग आउट करते हैं और इसके बाद मेलिंडा निक को लेकर ऊपर चली जाती है और विक के सामने ही उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन विक निक से मिलता है और कहता है कि मेलिंडा तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, हम तुम्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाना चाहते हैं। ये सुनकर निक उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। विक काफ़ी तेज गाड़ी चला रहा था, इस बात से निक थोड़ा डर जाता है और वो मेलिंडा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रेंज नहीं आ रहा था। विक गाड़ी एक जगह पर रोकता है और कहता है कि मैं और मेलिंडा अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। वो निक को पत्थर से मारता है और उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है। निक की वहीं पर तुरंत मौत हो जाती है। पास में एक वाटरफॉल था जहाँ पर विक निक की बॉडी को डुबा देता है और उसकी सारी आइडेंटिटी हटा देता है ताकि उसकी बॉडी को कोई पहचान न पाए। घर आकर वो मेलिंडा से कहता है कि निक एक काफ़ी अच्छा आदमी है और काफ़ी स्मार्ट भी है। निक को मारने के बाद वो अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। वो अपनी बेटी को भी थोड़ा सा ट्रिक देता है। विक को फोटोग्राफी का काफ़ी शौक था। मेलिंडा निक से कहती है कि आज हम पिकनिक के लिए जाएंगे। काफ़ी समय से वो निक को कॉल नहीं कर पा रही थी तो उसे लग रहा था कि निक उसे छोड़कर चला गया है। वो विक से कहती है कि एक तुम ही आदमी हो जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहना चाहते हो। विक उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे बोर हो गई हो। मेलिंडा कहती है कि मैं बोर नहीं हुई हूँ, बस थोड़ी सैड हूँ। विक उसे अपने फ़ोटोज़ का कलेक्शन दिखाता है जिसमें मेलिंडा की काफ़ी खूबसूरत और हर तरीके की फ़ोटोज़ थी। ये देखकर मेलिंडा को काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी देर में विक ये नोटिस करता है कि उसकी बेटी झरने के पास जा रही है। वो अपनी बेटी को वहाँ जाने से रोक लेता है और देखता है कि निक की बॉडी दूर पानी में तैर रही है। उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। घर जाते हुए रास्ते में मेलिंडा कहती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पर छूट गया है, तो विक कहता है कि कल मैं जाकर ले आऊँगा। सुबह उठकर विक साइकिलिंग के लिए माउंटेन पर चला जाता है। मेलिंडा जब विक को ढूंढने के लिए उसके स्नेल्स के शेड में जाती है तो वहाँ पर उसे निक का वॉलेट मिलता है। मेलिंडा को पता चल जाता है कि निक को भी विक ने मार डाला है। वो काफ़ी दुखी होती है। विक झरने के पास जाकर निक की बॉडी को डुबाने की कोशिश कर रहा था। मेलिंडा को विक पर कल ही शक हो गया था तो आज उसने डॉन को उसके पीछे लगाया हुआ था। डॉन विक को पानी में देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विक कहता है कि मैं मेलिंडा का स्कार्फ ढूंढ रहा हूँ। तभी निक की बॉडी ऊपर आ जाती है और उसे देखकर डॉन भागने लगता है। विक उसका पीछा करता है और शॉर्टकट लेकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। डॉन इस बात से खुश था कि उसको राइटिंग के लिए एक और स्टोरी मिल गई। वो विक की सच्चाई बताने के लिए केली को मैसेज टाइप करता है, लेकिन उसका फ़ोन कार में नीचे गिर जाता है। इधर मेलिंडा को अब वहाँ पर नहीं रहना था तो वो अपने कपड़े पैक करने लगी थी। उसे पैकिंग करता हुआ देखकर उसकी डॉटर सारे बैग्स को स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वो कहती है कि वो अपने डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इधर डॉन को पकड़ने के लिए विक डायरेक्टली उसके कार के आगे आ जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में डॉन की कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो खाई से नीचे पानी में गिर जाता है, जहाँ पर डॉन की तुरंत मौत हो जाती है। विक जब राइडिंग करके घर आता है तो मेलिंडा उसे सीढ़ियों पर मिलती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ और मेलिंडा कहती है कि कुछ भी नहीं।
मिलिंडा ने विक को बचाने के लिए निक का वॉलेट जला दिया था। वो हमेशा से चाहती थी कि विक उसको हमेशा पैशनेटली प्यार करता रहे। जो भी मिलिंडा के पास जाता था उसका मर्डर विक कर देता था, और ये बात जानने के बाद मिलिंडा उसी के साथ रहने का डिसीजन लेती है, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया था कि विक उसे बहुत प्यार करता है। वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इस घर को बर्बाद नहीं कर सकती थी। वो जैसे भी थे एक फैमिली थे, और इस तरह से वो सब साथ में रहने लगते हैं। यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल शकीरा फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।